गुड मॉर्निंग, इट्स ए क्लाउडी मॉर्निंग टुडे। तो आज हम लोग आपसे बताया था कि वी विल बी गोइंग ए बाइक राइड टू वन ऑफ द फॉरेस्ट हियर नियर बाय, तो इसे शोले और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुबह बहुत बारिश था, सो वी थॉट टू गो बाई कार। सो अभी हम लोग जो खड़े हैं इसे बोलते हैं स्टार पॉन्ड बोलते हैं, जिसे नक्षत्र तड़ाक बोलते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ ए स्टार, राइट। सो ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जगह, एंड ट्रिंगिंग एक जगह है यहाँ पे विच इज़ ए चर्च विच इज़ नोन एज मलयाटूर चर्च विच इज़ वेरी फेमस। तो यहाँ पे बहुत लोग एवरी ईयर दे कम एंड प्रे टू द लॉर्ड फॉर मेनी थिंग्स एंड ऑल। सो ये जो मलयाटूर चर्च है वो एक्चुअली इधर दिखाया, आपको दिखाया जाएगा, ये जो एक हिल है इसके ऊपर है। तो लोग वहाँ पे पैदल चढ़ के उसके ऊपर तक जाके दे डू देयर प्रेइंग्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो रास्ता है, दिस रोड गोज टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली वी आर गोइंग जस्ट टू टच द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वी वोंट गो डीप इनसाइड बिकॉज इट्स वेरी रिस्की एंड आवर व्हीकल वोंट गो इनसाइड। तो हम लोग इसी रोड से थोड़ा आगे जाके देखते हैं। डेंस फॉरेस्ट है ये, लेकिन एनिमल्स इसी रोड पे नहीं आते क्योंकि दे नो दैट देर आर व्हीकल्स गोइंग, सो दे वो मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं ये रास्ता। तो एनिमल्स को देखना है तो यू हैव टू गो इनसाइड, बट इट इज रियली रिस्क। लोगों को दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है विच सेज दैट एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया, सो ड्राइव केयरफुली। तो यू हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली, तो लोग इसलिए बहुत ही धीरे चलते हैं। लिखा गया इट्स वेरी गुड कोट गिवन, लाइक सब कुछ अच्छा, लाइक द अर्थ हैज इनफ टू मीट फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, इट्स रियली ट्रू। आई मीन आज सप्ले के लिए सब कुछ देते हैं। तो ये जो दिखा, ये फॉरेस्ट का एक ऑफिस है ऑलरेडी, फॉरेस्ट रेंजर्स का एक ऑफिस है, गवर्नमेंट का है, केरला गवर्नमेंट का है। और यहाँ पे बहुत काउ है रास्ते में। एक रबर का एस्टेट पे अंदर आ गए हैं, तो जो भी आप पेड़ देख रहे हैं ये पूरा रबर है। आई मीन जो टायर्स जो बनते हैं, जो रबर प्रोडक्ट्स जो बनता है वो इसी पेड़ से बनता है। आई मीन ये पेड़ का जो स्किन है वो थोड़ा सा काटने से इस पेड़ से दूध निकलता है जो कि प्रोसेस करने के बाद रबर हो जाता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। वो दूध को इंग्लिश में लैटेक्स बोलते हैं। उस लैटेक्स से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक मैट्रेस बनती है, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये जो कल्टीवेशन है ये केरला में है। तो इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे रबर कल्टीवेशन होता है, तो केरला में भी है। तो यहाँ पे अच्छा सा एक रबर एस्टेट है, उसके बीचों बीच से एक छोटा सा एक नदी बह रहा है, एकदम फ्रेश वाटर है, यू कैन सी इट्स सो क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो और भी आगे चल के देखते हैं क्या क्या है इधर।
न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है, तो दोनों साइड में रबर है, ये केरला गवर्नमेंट का ही है आई गेस। तो वो जो फैक्ट्री हम लोग देखा था वो भी केरला गवर्नमेंट का ही था। यहाँ पे नीचे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फील्ड है, यहाँ पे एक पत्थर का एक बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया गया है, और उसके अंदर से उसके बीचों बीच से एक नदी बह रही है। और आपको ये रबर पूरा दिख रहा है, ये पूरा उस साइड की तरफ ऐसे टेढ़ा हुआ है। उसका भी रीज़न ये है कि वो धूप को मिलने के लिए और हवा जैसे चलता है, जो हवा का डायरेक्शन है वो दिखाया जाता है। तो ये एक लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है। ये जो जगह है ये एक्चुअली एक हिल के ऊपर है, और उसके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे हिल्स है। आपको दिखाया जाएगा, इस पीछे में भी मिलेगा, उस साइड में भी मिलेगा, आपको बहुत सारे हिल्स मिलेगा। इसका जो ब्यूटी है, ये पेड़ जो गिरा रहता है उसका जो एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी इसमें मिलता है। दूर दूर में आपको हिल्स दिखाया जाएगा। ये जो रास्ता सीधे जाता है ये एक्चुअली आदिरापल्ली करके एक जगह है, जो कि बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। वहाँ पे हिंदी मूवीज़ में भी वहाँ पे बहुत शूटिंग्स हुआ है वाटरफॉल के। वहाँ पे उस रास्ते पे जाके ये रास्ता मिल जाती है। तो हम लोग और भी आगे जाके देखते हैं इसमें क्या क्या और ब्यूटी है और क्या क्या सीनरीज है, हम लोग और भी आगे जाके देखेंगे। ठीक, तो हम लोग अभी भी फॉरेस्ट के अंदर ही है। यहाँ से और भी आगे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा सा नदी मिला है। ये एक्चुअली चालकुड़ी पुरा बोलते हैं इसे। लास्ट ईयर केरला फ्लड में ये नदी भी बहुत भर गया था, इससे बहुत नुकसान भी हुआ था चालकुड़ी जैसे जगह पे। आपको पता होगा केरला में एक बहुत फेमस जगह है आदिरापल्ली वाटरचाल, जो वाटरफॉल्स है वो यहाँ पर है, इसी नदी के ऊपर है। और उस नदी पे बहुत सारे शूटिंग हुए, बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग वहाँ पे, मलयालम मूवी, तमिल मूवी और हिंदी मूवीज़ भी यहाँ पे शूटिंग हुआ है, तो इसी नदी में है। और आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, आप अगर गौर से सुनोगे तो बारिश होने की एक साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो दूर में कहीं पे बारिश हो रही है, वो एक्चुअली यहाँ पे आ रही है, तो उसका एक साउंड भी यहाँ तक मिला। दैट मीन्स इतना साइलेंट है यहाँ पे। यहाँ भी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है बारिश होने, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। देखिए आपको क्लाइमेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बारिश भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, दूर पे बारिश हो रहा है, उसका साउंड भी यहाँ तक, इतना साइलेंट है यहाँ पे। तो और भी आगे चलते हैं, उस साइड में कोकोनट ट्रीज का एक फॉरेस्ट, कोकोनट पाम ट्रीज का फॉरेस्ट है, यहाँ भी बारिश शुरू हो गया है। तो हम लोग भी आगे चलते हैं और देखते क्या है। ये पूरा पाम का एस्टेट है, आपको दिखा, पूरा पाम ट्रीज है, तो इससे पाम ऑयल बनता है, पाम का फ्रूट्स भी बनते हैं। ज़्यादातर ये एस्टेट किया गया है पाम ऑयल बनाने के लिए। ये कितना बड़ा बड़ा पाम ट्रीज है, बहुत ही लंबे बहुत ही बड़ा, एकदम घना फॉरेस्ट है। तो दिस एन एस्टेट फॉर पाम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी के साइड से मैं जो बता दूँ, वो नदी इसी के साइड से बह रही है, जो कि चालकुड़ी रिवर जो बोलते हैं, बहुत बड़ा रिवर है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ड्रिजलिंग अभी भी हो रहा है, रेन का ड्रिजलिंग हो रहा है, एंड इट्स वेरी नाइस क्लाइमेट। Everyone please do visit this.
आप लोग जो देख रहे हैं वो है आदिरपल्ली वाटरफॉल जो कि चालकुड़ी रिवर के ऊपर से है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, अभी अच्छा खासा पानी भी भरा हुआ है एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी फार। हम लोग एक व्यू पॉइंट से इसका एक वीडियो ले रहे हैं, जो भी हम लोग आगे जाके देखते हैं और उसमें क्या क्या है वी विल फाइंड इट आउट एंड वी विल शो यू ऑल द ग्लिम्स ऑफ आदिरपल्ली वाटरफॉल। बहुत अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे और इट्स रियली रियली अमेजिंग, आई मीन द वाटरफॉल इज रियली अमेजिंग। जो कि अनएक्सप्लोर्ड है आप लोगों को, तो प्लीज डू व्हेन विजिट इन केरला प्लीज डू कम एंड विजिट दिस प्लेसेस। बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज ऐसा है कि वो स्पेसिफिक जगह को दिखाते, ये सब जगह नहीं दिखाते। सो व्हेन यू आर कमिंग टू केरला प्लीज डू कम एंड विजिट दिस प्लेसेस, टेक दिस रोड्स, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एनवायरमेंट एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवल लॉग्स हम लोग के वीडियो में आने वाले, हम लोग के चैनल में आने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अवर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस विच आर कमिंग अप वेरी सून। तो वी विल बी हैविंग नेक्स्ट ट्रैवल डिस्कशन सून, तब तक के लिए बाय बाय।